आम खाओ। पता नहीं ये पढ़ाई किसने बनाई है, जितने बड़े होते हैं उतनी मोटी मोटी किताबें पढ़नी पड़ती हैं। पढ़ाई में ठस थे इसलिए हमारे पापा ने हमें यहाँ बड़े पापा के यहाँ छोड़ दिया। यहाँ आने के बाद हमारी बुद्धि में थोड़ा तो विकास आया है, लेकिन उतना नहीं जितना आना चाहिए था। इससे बढ़िया तो हम बंदर ही रह जाते, दिन भर उछलते कूदते, आम खाते, केला खाते और फिर सो जाते। कम से कम टीचर की खर्राट तो नहीं सुननी पड़ती। अब आप ही बताओ, टीवी पे बढ़िया से बढ़िया नाटक आते हैं लेकिन हम तो सिर्फ एक दो ही देख पाते हैं, अलाउड नहीं है ना। और अगर छिप छिप कर देखते हैं तो विदुषी हमें दौड़वाती है डंडा लेकर। नानी बन गई है हमारे घर की। अच्छा एक सीक्रेट बताए, हम तो बड़े ही टीवी देखते देखते हुए हैं। जब अम्मा काम करती तो हमें टीवी के सामने बिठा देती, सबके सब पुजारी हैं टीवी के। हमारी बड़ी मम्मी तो अखबार में बड़े बड़े लेख लिखती हैं। आज भी कितने बढ़िया बढ़िया नाटक आते हैं। हमारे तो फेवरेट गुनगुन और पारुल है, क्या एक्टिंग करते हैं, एकदम ड्रामा। हाँ बड़ी मम्मी आया, आज हमारा माय भी सुनना बन जाए। हिंद जय भारत।